जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा का जीवन चरित्र महाभाव दीनमणि श्री राधा बाबा पुस्तक से। यह पुस्तक पूज्य श्री साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा लिखी गई है। आइए अब उनके जीवन चरित्र को शुरुआत से सुनते हैं। साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, कुल परिचय। पूज्य श्री राधा बाबा का कुल परिचय। साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, जैसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता ही है ब्रजभूमि में, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राकट्य स्थल का चयन भी इस विशुद्ध प्रेम की पृष्ठभूमि ब्रजमंडल में ही करना पड़ता है। वैसे ही सच्चे संत भी ऐसे ही जन्म स्थल का चयन करते हैं जहाँ विशुद्ध सत्व की प्रधानता हो। शास्त्र कहते हैं, भगवान जिस देश में जन्म लेते हैं उस देश में उनकी तीन पीढ़ी पूर्व से ही संघिनी शक्ति का प्रकाश हो जाता है। इस चिन्मय संघिनी शक्ति का पवित्रतम प्रकाश अवतार के स्वधाम गमन तक बना रहता है, एवं अवतार के स्वधाम गमन करने पर यह चिन्मय संघिनी शक्ति का प्रकाश भी अवतार के साथ ही उनके स्वधाम में चला जाता है। परम पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की महिमा में स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, पिंजर काला प्रतीक यह है, ब्रज धरा अरण्य तथा प्रियतम, सब मातृ पितृ कुल के परिकर, वे स्व सुरालय के भी प्रियतम, गोवंश वसन उपकरण सभी जन के तन धारण के प्रियतम, संधिनी शक्ति की परिणति ही जो है इन सबका ही प्रियतम। यह श्री पोद्दार महाराज का काला पिंजर शरीर ब्रज भूमि एवं अरण्य वृंदावन का प्रतीक है, तथा उनके मातृ पितृ कुल के तथा स्वसुरालय के भी सारे परिकर उनके यहाँ पालित गोवंश उनके वसन उपकरण जो उनके तथा उनके जनों के तन धारण में निमित्त हैं सभी संधिनी शक्ति की ही परिणति है। ये पंक्तियाँ जो ऊपर अंकित हैं पूज्य बाबा ने पूज्य पोद्दार महाराज को अपने महाभाव वेश में कही थी। श्री पोद्दार महाराज ने इन्हें अपने स्वयं के हस्ताक्षरों में अंकित कर ली थी। वे पंक्तियाँ ही यहाँ उद्घृत हैं। कहने का इतना ही तात्पर्य है कि पूज्य चरण पोद्दार महाराज एवं पूज्य श्री राधा बाबा जैसे संतों का जिनमें स्वसुख की वासना का संपूर्ण त्याग सहज ही होता है, जिनमें भोग तो क्या मोक्ष सुख तक के प्रति घोर विरक्ति होती है, जिनमें अपने प्राण वल्लभ नील सुंदर से निरंतर प्रीति दान की होड़ लगी रहती है, सब कुछ संघिनी शक्ति का चिन्मय विलास ही होता है। पूज्य राधा बाबा जैसे अथाह महिमा में प्रेमी संत को अपनी कोख में धारण करने वाली जननी, बीज स्थापन करने वाले पिता, उनके पितामह प्रपितामह एवं उनका सब कुल भगवान की संघिनी शक्ति की ही परिणति होने के कारण कितना कल्याणपुंज पवित्र शुद्ध एवं सात्विक था, इसकी थाह मेरे जैसे तुच्छ लेखक की जड़ बुद्धि भला कैसे कर पावे। आओ भक्त सम्राट तुलसीदास जी की वाणी में अपनी वाणी मिलावें एवं कहें, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। परम पूज्य श्री राधा बाबा के पितामह का नाम था श्री अंबिका दत्त जी मिश्र। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, साथ ही भगवती दुर्गा के अनन्य भक्त थे। इनके पांच पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री भूपाल मिश्र था। इनके सभी पुत्रों को आनुवंशिकी के रूप में अपने पिता से सुख दुख में सहनशीलता, करुणापूर्ण हृदय, सबका अकारण हित करने की प्रवृत्ति, शांत स्वभाव,
साधु महात्माओं के प्रति अगाध श्रद्धा भाव, अपने इष्ट में अनन्य भावयुक्त सुदृढ़ भक्ति, ब्राह्मणोचित तितिक्षा, तप परायणता, कर्तव्य निष्ठा, धर्म भीरुता, विद्वत्ता, सत्य के प्रति प्रेम, उज्ज्वल चरित्र आदि अलौकिक गुण प्राप्त हुए थे। श्री अंबिका दत्त जी ने अपने बड़े पुत्र श्री भूपाल मिश्र को अति लगन से विद्वान बनाया था, परंतु उनकी सर्पदंश से असामायिक युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। इससे इनके मन में उत्कट वैराग्य भाव उदय हो गया। ये समझने लगे कि विद्या पठन पाठन जब मृत्यु से रक्षा ही नहीं कर सकती तो व्यर्थ है। उन्होंने निर्णय कर लिया कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भविष्य में किसी भी बच्चे को पठन पाठन के श्रम में नहीं डालेंगे। इधर तो पिता का ऐसा निश्चय था और उधर श्री महिपाल जी मिश्र के विद्या अर्जन में आत्यंतिक रुचि थी। जब इन्हें अपने पिता से अपने उद्देश्य की पूर्ति में कुछ प्रोत्साहन नहीं मिला तो एक दिन वे अपने घर से भाग गए। वे घर से ऐसे स्थान को चले गए जहां पठन पाठन की समुचित व्यवस्था हो सकी। वहां पहुंचकर इन्होंने अपने पिता को अपना पता सूचित कर दिया। अध्ययन के प्रति इनकी उत्कट रुचि देखकर पिताजी ने भी इनका विरोध करना उचित नहीं समझा। श्री महिपाल जी मिश्र में गृहस्थ जीवन स्वीकार करने की सर्वथा रुचि नहीं थी। वे परम सत्यनिष्ठ, सबसे द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबके प्रेमी एवं हेतु रहित दयालु स्वभाव के थे। उनका मन ममता से रहित, अहंकार शून्य, सुख दुखों की प्राप्ति में सम एवं क्षमावान था। वे अपने प्रति अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाले थे। वे सदा संतुष्ट रहते, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखते तथा अपने इष्ट के प्रति दृढ़ आस्था रखते थे। उन्हें एक दिवस दिव्य स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवती दुर्गा, इनकी इष्ट देवता, उनके सन्मुख प्रत्यक्ष थी। उन्होंने इन्हें आज्ञा दी कि तेरे कुल में मैं अपने अंश से अवतरित होंगी, अतः तू गृहस्थ जीवन ग्रहण कर ले। श्री महिपाल जी मिश्र ने भगवती का आदेश पाकर अपनी इच्छा से सर्वथा प्रतिकूल गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया। श्री महिपाल मिश्र जी का विवाह पाठक वंश में परम पुण्यवती श्रीमती अधिकारिणी देवी से हुआ। वे जीविका उपार्जन हेतु गया जिले के मिसिल टोला नामक ग्राम में ग्राम से फकरपुर ग्राम चले आए और यहाँ उन्होंने राजवंशी कायस्थ जमींदारों का पारोहित्य स्वीकार कर लिया। उन दिनों सभी राजाओं, जमींदारों और समाज के अन्य वर्गों में भी ब्राह्मणों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। यह फकरपुर ग्राम बिहार के जहानाबाद जिले में सोनभद्र तट के समीप अरवल ग्राम से 3 मील पूर्व की ओर स्थित है। श्री महिपाल मिश्र का जीवन अति त्यागी, निष्प्रह एवं चरित्र अतिशीलवान। वे स्त्री वर्ग में भी अपने अतिशय शीलवश श्रद्धा भाजन थे और उस काल में जब विशेषकर जमींदारों में स्त्रियों पर पर्दा आदि के विकट प्रतिबंध थे, संभ्रांत कुल की कुल वधुओं को भी उन्हें अपना दुख दर्द निवेदन करने में कोई संकोच नहीं होता था। श्री पंडित जी का प्रभाव आसपास के दूर दूर गांवों तक में वचन सिद्ध ब्राह्मण के रूप में था। जिस दुखी प्राणी को वे आशीर्वाद देते थे वह फलीभूत हो जाता था। श्री महिपाल मिश्र के प्रथम पुत्र का नाम था श्री तपस्वी नाथ मिश्र, दूसरे पुत्र का नाम था श्री वासुदेव मिश्र, तीसरे पुत्र थे श्री तारा दत्त जी मिश्र और सबसे छोटे पुत्र थे परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री चक्रधर मिश्र। पूज्य गुरुदेव की 2 बड़ी सहोदरा बहनें भी थीं, पूज्य गुरुदेव मतलब पूज्य श्री राधा बाबा।
श्री महिपाल जी मिश्र ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाते थे। अतः ऐसा अनुमान होता है कि वे रामानुज संप्रदाय के अनुयायी थे एवं वहीं से दीक्षित भी थे। श्री मिश्र जी को संत दर्शन एवं सत्संग सच्चर्चा का अतिशय उत्साह था। अतः इस परिवार में संत महात्माओं का प्रायः जमघट मचा रहता था। ऐसे सदग्रस्त ब्राह्मण परिवार के मध्य अति गरीब ग्रामीण परिवेश में पूज्य गुरुदेव श्री राधा बाबा का जन्म हुआ था। वात्सल्यमयी मूर्ति जननी, वात्सल्य मूर्ति जननी श्री महिपाल जी मिश्र की पत्नी अधिकारिणी देवी जी विदुषी नहीं थी, उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था। इसके उपरांत भी सत्य नारायण कथा, एकादशी महात्म, रुक्मणी मंगल, सीता स्वयंवर एवं रामचरितमानस के प्रसंग और श्री जयदेव कृत गीत गोविंद आदि ग्रंथ उन्हें कंठस्थ याद थे। वे प्रतिदिवस नियम अनुसार गीत गोविंद का संपूर्ण पाठ किया करती थी। गीत गोविंद के संबंध में यह प्रतिश्रुति है कि जो भी भक्त इसका जहां भी पाठ करता है, भगवान स्वयं उस पाठ को सुनने उसके पीछे पीछे वहां चले आते हैं। पूज्य माताजी के गीत गोविंद के प्रतिदिन के पाठ में उनकी अतिशय श्रद्धा ही हेतु थी। वे न तो शुद्ध उच्चारण ही कर सकती थी एवं संस्कृत के श्लोकों का अर्थ भी उन्हें ज्ञात नहीं था। पूज्य माताजी प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत अवश्य रखती थी। अतिशय श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का सविधि पूजन करके स्वजनों में प्रसाद वितरण में उनका उत्साह देखते ही बनता था। पूज्य बाबा के जन्म के समय माताजी को बहुत ही कम प्रसव कष्ट हुआ। शेष 5 पुत्रों एवं पुत्रियों के जन्म के समय माताजी को जितना उग्र कष्ट भोगना पड़ा था, वैसा कष्ट इस पुत्र के जन्म के समय न होने से माताजी आश्चर्यचकित थीं और अपने इस पुत्र को अति मंगलकारी संतान मानती थीं। उनका अपने इस सबसे छोटे पुत्र पर अतिशय स्नेह था। ऐसा लगता है पूज्य राधा बाबा के जीवन में श्री कृष्ण की उत्कट भक्ति एवं रसमयी गोपी भाव की साधना का बीजारोपण पूज्य माता जी के गीत गोविंद के नियमित पाठ ने ही कर दिया था। नामकरण संस्कार एवं बाल जीवन। पूज्य राधा बाबा का जन्म मेष राशि में हुआ था। जन्म लगन के अनुसार इनका नामकरण पंडितों ने लालमणि किया। बालकपन में बच्चों की रुचि स्वभावतः गुड्डे गुड़ियों से खेलने की होती ही है। इनकी माताजी इतनी भक्तिमती थी कि उन्होंने इन्हें खेलने के लिए एक खंडित गोपी की प्रतिमा दे रखी थी। निरे बालकपन में श्री राधा बाबा इसी खंडित गोपी मूर्ति को सजाया करते थे। वे इसे स्नान कराते एवं घर में जो भी पुराने कपड़े की कतरें मिलती उसी से इस गोपी का श्रृंगार किया करते थे। पूज्य गुरुदेव का मातृ प्रेम भी अति विलक्षण था। वे 9 वर्ष की किशोर अवस्था तक अपनी बुढ़िया माँ का स्तनपान किया करते थे। तब तक वे पाठशाला में पढ़ने लगे थे। पाठशाला से लौटते ही उनका पहला कार्य मातृ स्तन का पान ही होता था। पूज्या माताजी तब तक इतनी वयोवृद्ध हो चुकी थी कि उनके स्तन लटक गए थे, उनमें दूध आता ही नहीं था। परंतु पूज्य गुरुदेव को इसकी कहाँ चिंता थी। वे दूध न आने पर हंसते हुए अपनी माता का स्तन दांत लगाकर काट लेते थे। तब माँ उनको हट कोढ़िया कहकर गाली देकर अपना स्तन छुड़ाती थी। बहुत ही कठिनाई पूर्वक वे उसकी गोद से हटते एवं अलग होते थे। वे अपनी माँ के अत्यधिक प्यारे बेटे थे। पूज्य गुरुदेव में सर्वाधिक श्रद्धा यदि किसी के प्रति थी तो वह उनकी माता थी। वे अतिशय मनमौजी स्वतंत्र स्वभाव के थे, परंतु यदि कहीं वे किसी की भी आज्ञा के बंधन में होते थे
तो वह उनकी पूज्या माताजी ही थी। जय श्री राधे। आगे का भाग हम कल सुनेंगे। आपको कैसा लगा चरित्र आप जरूर बताइएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।